मूवी की स्टार्टिंग में हम क्लेयर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बेटे बेन के साथ पार्क में बैठी थी। बेन वहां पर खेल रहा था तभी क्लेयर को किसी की सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो इस डायरेक्शन में देखते हैं तो एक आदमी अपने डॉग को भुला रहा था। उस आदमी को देखकर क्लेयर थोड़ा सा हैरान हो जाती है, किसी को याद करने लगती है। इसके बाद वो उस आदमी के पीछे भी जाने की कोशिश करती है। वो आदमी कार में बैठकर चला जाता है। क्लेयर को एक अंदाजा था कि वो आदमी कोई और था जिसे वो पहले से जानती थी। उस आदमी का पीछा करने लग जाती है। उस आदमी को हर उस जगह पर जाकर देखने जाती है जहाँ पर वो जा रहा था। क्लेयर का पीछा करना उस आदमी को समझ में नहीं आता। क्लेयर एक बार उस आदमी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। बाहर से क्लेयर दोनों को देख रही थी। उनका एक डॉग था और वो अचानक से क्लेयर पर भौंकने लगता है। क्लेयर वहीं पर घर के बाहर एक कोने में छुप जाती है। इस वजह से वो पकड़ी नहीं जाती। इन्हीं सब चीजों के दौरान क्लेयर इतना खो जाती है कि बेन का अब वो अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती। एक दिन उसे स्कूल से लाना भी भूल जाती है। इसके बाद क्लेयर का हस्बैंड, उसका नाम था लुइस, उसका रीजन पूछता है। इस बात को क्लेयर टाल देती है। क्लेयर उस आदमी के बारे में जानने के लिए इतना डेस्परेट थी कि उसी आदमी के फैक्ट्री में एज अ वर्कर वो ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद वो ज्यादातर समय उसी आदमी पर ध्यान रखती है कि वो कहाँ पर जाता है, कहाँ से आता है। ऐसा सब करते हुए क्लेयर एक दिन अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाती है। जब वो आदमी काम खत्म करके घर जा रहा था तब क्लेयर उसे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि मेरी कार खराब हो चुकी है। जैसे वो आदमी उसकी हेल्प कर रहा था तभी क्लेयर ने पीछे से उसके सर पर हथौड़ा मारा। वो वही बेहोश हो जाता है। क्लेयर फिर अपने कार के ट्रंक में उसे डाल देती है। ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। उस जगह पर क्लेयर और उस आदमी के अलावा कोई भी नहीं था। क्लेयर को ये सब करते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। क्लेयर अब उस आदमी को जंगल में लेकर आती है। काफी समय तक सोचने के बाद उस आदमी को मारने का डिसाइड कर लेती है। क्लेयर उसे बैकस्पेस से निकालकर एक गड्ढे में गिरा देती है। गिरने की वजह से वो आदमी होश में आ गया था। क्लेयर उसके सर पर गन लगा देती है और शूट करने के लिए रेडी थी। वो आदमी डर जाता है और क्लेयर से रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों तुम मारना चाहती हो, शायद तुम किसी और को मारना चाहती हो, मैं वो आदमी हो ही नहीं सकता। ये सब सुनने के बाद क्लेयर अपने डिसीजन पर जरा डगमगाने लगती है। उसे डाउट था कि क्या ये वही आदमी है जिसे वो ढूंढ रही थी। क्लेयर ये बात कन्फर्म नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से उसे नहीं मारती। अपनी गाड़ी के ट्रंक में डालकर उसे घर पर लेकर आती है। क्लेयर फिर अपने हस्बैंड लुइस से बात करती है और उसे अपनी बैक स्टोरी समझाती है। एक्चुअल में क्लेयर एक ज्यू थी और होलोकॉस्ट की सर्वाइवर थी। होलोकॉस्ट एक हिटलर का जर्मन मिशन था। उसने सारे ज्यू लोगों का टॉर्चर करने का डिसाइड किया था। इसमें उसने 60 लाख ज्यूज को मार डाला था। बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत गलत हुआ था। ऐसे एक ज्यू कैंप में क्लेयर अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ थी। उन्हें वॉर के एंड के वक्त बहुत टॉर्चर किया गया था। क्लेयर उसकी मदर और उसकी सिस्टर के साथ जबरदस्ती की थी और इसके बाद उन्हें गोली मार दी थी। क्लेयर इस सब में बच गई थी। वह एक जनरल था। उसके बोलने का तरीका, सीटी बजाने का तरीका, हर एक चीज करने का तरीका क्लेयर को पता था। उसने उसकी मदर और सिस्टर को मार डाला था। हमेशा वहां पर अंधेरा रहता था और इसी वजह से उसका चेहरा वो ठीक से देख नहीं पाई थी। बाकी सारी चीजें उसे पता था। क्लेयर को बदला चाहिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि जिस आदमी को ट्रंक में डालकर वो घर पर लेकर आई है ये वही जनरल है। सारी बातें क्लेयर लुइस को बता देती है। इसके बाद लुइस कार के ट्रंक में देखने के लिए गया। वहां पर वो आदमी उसे मिल जाता है। लुइस पकड़े जाने के डर से जल्दी से उस आदमी को बेसमेंट में रख देता है। उसने उसे अच्छी तरीके से बांध दिया था। लुइस ने उसे उसका नाम पूछा तो उसका नाम स्टीव था। स्टीव कहता है कि पहले मैं दूसरी कंट्री में रहता था, कुछ समय पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। ये सब सुनकर क्लेयर उस आदमी से पूछती है, क्या एक समय पर तुम जर्मन कैंप्स में नहीं थे, क्या तुम्हारा नाम थॉमस नहीं था। स्टीव कहता है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा नाम स्टीव है और मैं कभी भी जर्मन कैंप में जनरल नहीं था। अगर तुम्हें ये सब चीजें कन्फर्म करनी हो तो कंपनी में जाकर तुम कर सकती हो, वहां पर मेरे सारे रिकॉर्ड है। अगर चाहो तो तुम मेरे पास्ट के बारे में भी पता कर सकती हो। क्लेयर इस बात पर गुस्सा हो जाती है। लुइस स्टीव को धमकाने की कोशिश करता है ताकि उसे सब कुछ सच सच बता दे। टॉर्चर करने के बाद भी स्टीव मान नहीं रहा था कि वही थॉमस है। इसके बाद वो स्टीव को वही बेसमेंट में छोड़कर सोने के लिए चले जाते हैं। लुइस सोचने लगता है कि शायद क्लेयर को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ऑलरेडी क्लेयर को इस सब चीजों का ट्रामा है, अभी भी उन चीजों से वो निकल नहीं पाई थी, इसलिए शायद वो स्टीव को थॉमस समझ रही थी। पर यहाँ पर क्लेयर को अपने आप पर पूरा भरोसा था। नेक्स्ट कुछ डेज में क्लेयर स्टीव को टॉर्चर करने लगती है, उसे सच बुलवाने की कोशिश करती है, पर स्टीव किसी भी बात को मान ही नहीं रहा था। वो हमेशा यही कहता रहता है कि वो थॉमस नहीं है। स्टीव अब दोनों के सामने रोने लगता है। वो कहता है कि मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मैं अकेला कमाता हूँ, मेरी वाइफ टेंशन में होगी, अगर तुम लोग मुझे जाने दोगे तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा। ये सब कहने के बावजूद क्लेयर उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। एक मोमेंट पर मौका देखकर स्टीव चेयर से अपने हाथ बाहर निकाल लेता है। घर से भागने की वो कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद था, वो भाग नहीं पाता। पीछे से लुइस उसे बहुत जोर से धक्का मार देता है। इस वजह से स्टीव का शोल्डर डिसलोकेट हो गया था।
वहीं पर दर्द से चिल्लाने लग जाता है। स्टीव के शोर से क्लेयर का नेबर बाहर आ जाता है। वो पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। क्लेयर कहती है कि सब कुछ ठीक है। स्टीव को फिर से बेसमेंट में बांध दिया जाता है। लुइस स्टीव के डिसलोकेटेड शोल्डर को ठीक करता है क्योंकि एज अ प्रोफेशन वो डॉक्टर था। अगले दिन वो स्टीव के बारे में पता करने लग जाता है। वो स्टीव के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था कि जैसे वो पहले कहां पर रहता था, जो भी स्टीव ने कहा था, क्या वो बातें सच थी, ये सारी चीजें वो चेक करता है। लुइस रियलाइज करता है कि जो भी स्टीव बता रहा है वो सचमुच में रियल है। वो फैक्ट्री में कुछ समय पहले ही ज्वाइन हुआ था और वो एक्चुअल में स्विट्जरलैंड से था। लुइस अब स्टीव को कोई दूसरा आदमी समझने लगता है। लुइस अब श्योर करना चाहता था कि क्या क्लेयर ये सब अपने ड्रामा की वजह से कर रही है, क्या है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्लेयर के ड्रामा के बारे में वो क्लेयर के डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर कहते हैं कि क्लेयर अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लुइस को भी लगने लग गया था कि शायद क्लेयर अपने ड्रामा की वजह से ये सब कर रही है। वो अब क्लेयर की बातों पर सोचना बंद कर देता है। दूसरी तरफ क्लेयर को 100% श्योरिटी नहीं थी कि स्टीव ही थॉमस है। यही उगलवाने के लिए अब उसे वो टॉर्चर करने लगती है। वो बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाती है और उसे सच बुलवाने की कोशिश करती है। सब कुछ करने के बावजूद स्टीव वही अपनी बातें दोहरा रहा था। इस सब के बीच क्लेयर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है जिससे उसके ऊपर निशान बन जाते हैं। इसके बाद लुइस घर पर आता है और वो देखता है कि स्टीव के शरीर पर चोट के निशान है। वो समझ जाता है कि ये क्लेयर ने ही किया है, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से इसे क्लिनिक तक लेकर जाना पड़ सकता है। लुइस क्लेयर से बात करने के बाद गुस्से में स्टीव से मिलने के लिए जाता है। फिर से वही सवालों को पूछने लगता है लेकिन जवाब अभी भी नहीं बदलते। लुइस अब स्टीव से बात कर रहा था तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। क्लेयर ऊपर के रूम में थे तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर स्टीव की वाइफ और क्लेयर के नेबर के साथ आता है। स्टीव काफी समय से मिसिंग था और उसकी वाइफ उसे ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ क्लेयर के नेबर ने कल रात आवाज सुनी थी, कोई उनके घर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, इसी वजह से पुलिस ऑफिसर यहाँ पर चेक करने के लिए आए हुए थे। क्लेयर उन लोगों को बता रही थी कि हेल्प की आवाज उनके घर से नहीं आ रही थी, वो रोड पर किसी रैंडम आदमी ने की होगी, क्योंकि मैं भी रात में घर से बाहर आई थी देखने के लिए कि कौन हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। उसी वक्त क्लेयर अपने घर के वॉल पर खून का निशान नोटिस करती है। ये शायद स्टीव का ही था। क्लेयर उसे संभव छुपाने लगती है। ऊपर मेन हॉल में सब कुछ चल रहा था तभी नीचे लुइस और स्टीव ये दोनों झगड़ रहे थे। उन्हें इसका कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऊपर पुलिस ऑफिसर है। स्टीव से लड़ने के बाद लुइस उसका मुंह बंद कर देता है और ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद सीधे उसके सामने पुलिस ऑफिसर ही थे। लुइस उनसे बात करता है। लुइस एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और रिनाउंड डॉक्टर था और इसी वजह से उसे ज्यादा सवाल नहीं पूछते, वहां से जाने का और डिसाइड कर लेते हैं। जाते वक्त ऑफिसर एक बात नोटिस करते हैं कि लुइस के सर पर एक चोट लगी थी और वो चोट अभी अभी लगी थी। ऑफिसर जब लुइस से इसका रीजन पूछते हैं तो लुइस अच्छे से इसका आंसर नहीं दे पाता। फिर भी ऑफिसर वहां से चले गए। अब क्लेयर को पता चल गया था कि स्टीव की वाइफ कौन है और उसका नाम रेचल है। क्लेयर रेचल से मिलने का डिसाइड करती है। वो चाहती थी कि स्टीव से उसकी वाइफ के बारे में जान सके, शायद उसे पता चल जाए कि स्टीव कभी जनरल भी था। ये सब सोचकर क्लेयर रेचल से मिलने के लिए गई। वहां पर उसे पता चलता है कि स्टीव की एक बेटी भी है, रिसेंटली उन्हें एक बेटा भी हुआ था। क्लेयर धीरे धीरे रेचल से स्टीव के बारे में जानने लगती है लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। एक्चुअल में अब तक जो भी स्टीव ने बताया था वही सेम टू सेम चीजें रेचल से भी उसे पता चल रही थी। इस बात से वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। क्लेयर अब तक इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी कि स्टीव वो जनरल थॉमस नहीं है। भले ही उसे उसका चेहरा याद नहीं हो पर थॉमस ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। उसकी हर एक आदत क्लेयर को पता थी। इन्हीं सब रीजन की वजह से स्टीव को अभी जाने देने के लिए रेडी नहीं थी। रात में जब लुइस क्लेयर से बात करने लगता है तब क्लेयर बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय बहुत मुश्किल से उन्हें खाना भी नहीं मिलता था। किसी तरह उनके बहन और माँ ने वर्ल्ड वॉर 2 को सर्वाइव किया था। जब वॉर खत्म हो गई तब उन्हें लगा कि वो लोग अब बच जाएंगे लेकिन लास्ट डे जर्मन लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती की और उन्हें मार दिया। इन सारी गोलियों में क्लेयर तो बच गई थी पर उसकी फैमिली की डेथ हो गई थी। उसकी सिस्टर बहुत छोटी थी इसी वजह से आज भी वो जर्मन पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। लुइस को स्टीव से एक बात पता चली थी कि जर्मन वॉर में एज अ क्लर्क वो काम करता था, चाहे तो इस बात को वेरीफाई भी कर सकता था। स्टीव कहता है पर अब मेरा उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। लुइन इस बात को एग्जामिन करने के लिए जाता है। क्लेयर रेचल के पास जाती है ताकि वो स्टीव के बारे में कुछ जान सके। क्लेयर रेचल से बात करने लगती है तो इसमें स्टीव ने उसे जो भी बातें बताई थी वही सब बातें फिर से रेचल उसे कह रही थी। यही बात करते वक्त क्लेयर की नजर रेचल की रिंग पर पड़ती है जो उसकी सिस्टर की रिंग की तरह थी। वो इसे नोटिस करती है पर उसकी सिस्टर की रिंग नहीं थी, पर एक चीज गौर करने जैसी थी कि उस पर ज्यू साइन बना हुआ था। क्लेयर को लगता है कि शायद रेचल ज्यू है। अगर स्टीव जर्मन जनरल था तो एक ऐसे पॉसिबल है कि किसी ज्यू औरत के साथ वो शादी करे। इस बात से उसे और भी लगने लगता है कि स्टीव थॉमस नहीं है। क्लेयर उस रिंग की बात को याद करते हुए घर पर आती है। स्टीव को फिर से सच बोलने के लिए कहती है, उसे टॉर्चर करने लग गई।
इसमें उसने स्टीव के हाथ में उसकी सिस्टर जैसी रिंग देखी। उसे लग रहा था कि शायद उसकी सिस्टर की रिंग है। इस पर भी ज्यूस का ही सिंबल था। उसे अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि स्टीव ही थॉमस है। वो गुस्से में उसकी उंगली काटकर रिंग निकाल लेती है। इससे स्टीव को बहुत दर्द होता है। स्टीव ने उस वॉर के वक्त लोगों को मारकर उनकी रिंग ले ली थी और यही अपनी वाइफ और खुद को दी थी। कुछ समय बाद वहां पर लुइस पहुंचता है। वो स्टीव के हाथों से खून बहता हुआ देखता है। ये सब देखकर वो क्लेयर से झगड़ने लगता है कि तुमने ऐसा किया क्यों। क्लेयर भी बहुत गुस्सा हो जाती है। लुइस गुस्से में था तो उसे स्लैप करता है और फिर स्टीव की मरम पट्टी करने लगता है। क्लेयर अब घर से बाहर चली आती है। इस बात पर सोचने लगती है कि क्या सच में स्टीव ही थॉमस है। वो डाउट कर रही थी कि किसी गलत आदमी को टॉर्चर कर रही है। ये सब सोचने के बाद भी कहीं ना कहीं उसे लग ही रहा था कि स्टीव ही थॉमस है। क्लेयर के लिए प्रूफ करना बहुत जरूरी था। अगर उसकी बात झूठी निकली तो लुइस उस पर कभी बिलीव नहीं करेगा। ये प्रूव हो जाएगा कि क्लेयर अपने ड्रामा में आकर सब कुछ कर रही थी। स्टीव लुइस से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा ना करने के पीछे मेरे पास रीजन है। मैं एक्चुअल में स्विट्जरलैंड का सिटीजन हूँ और अमेरिका में अब भी इलीगल रह रहा हूँ। जब मैंने मेरी अमेरिकन वाइफ से शादी की थी तब मैं ऑलरेडी मैरिड था और इसी वजह से मुझे ग्रीन कार्ड अब तक नहीं मिला है। मैं अगर पुलिस के पास जाता हूँ तो मुझे ही कंट्री से निकाल दिया जाएगा। मेरी यहाँ पर फैमिली है और फैमिली के लिए मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस के पास कभी भी नहीं जा सकता। अब लुइस क्लेयर से कहने लग जाता है कि स्टीव को छोड़ देना चाहिए। वो कहता है कि स्टीव ने अब तक जो भी बताया था ये सब कुछ सच निकला था। क्लेयर कहती है कि मैं सिर्फ और एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। आखिरी बार क्लेयर श्योरिटी के लिए रेचल से मिलने के लिए जाती है। उसे स्टीव और वर्ल्ड वॉर टू के रिलेटेड जानकारी पूछती है। रेचल कहती है कि स्टीव वर्ल्ड वॉर टू में शामिल नहीं था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद भी उसे नाइटमेयर्स आते हैं। वो रात को सो नहीं पाता। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस था। इसका मतलब है एक्चुअल में स्टीव वर्ल्ड वॉर टू में था। ये इन्फॉर्मेशन क्लेयर के लिए इनफ थी कि स्टीव ही थॉमस है। क्लेयर स्टीव के पास जाती है, उस पर गन रख कर कहती है कि बताओ कि तुम ही थॉमस हो। इस पर वो ना कहता है। क्लेयर कहती है कि अब भी तुम्हें वर्ल्ड वॉर टू के नाइटमेयर्स आते हैं। अगर तुम उसमें नहीं थे तुम्हें नाइटमेयर्स क्यों आते हैं। इस पर स्टीव अच्छे से जवाब नहीं दे पाता। क्लेयर फिर उसे कार के ट्रंक में डालती है, फिर से जंगल में लेकर जाती है। वहां पर ऑलरेडी उसने गड्ढा बनाया हुआ था। यहाँ स्टीव को बिठा कर फिर से उसे सच कहने के लिए कहती है। क्लेयर उसे कहती कि अगर तुमने सच कह दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है और तुम्हें उनके पास वापस जाना चाहिए। अगर तुमने झूठ कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्लेयर उसे सच कहने के लिए बहुत फोर्स करती है। स्टीव फिर फाइनली मान लेता है कि वही थॉमस है। वो वॉर के टाइम पर वहां पर जनरल था। उसने और उसके सोल्जर ने काफी जू लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी। इसमें वो क्लेयर की फैमिली को भी आइडेंटिफाई करता है। कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को लास्ट में मार दिया था। तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को गोली नहीं लगी और इसी वजह से तुम बच गए। कन्फेशन करने के बाद स्टीव रोने लगता है और उसकी माफी मांगने लगता है। क्लेयर ये सब बात सुनकर फिर से वर्ल्ड वॉर टू की डरावनी यादों में चली जाती है। उसे ट्रामा होने लग गया, उसके हाथ कांपने लग गए। ये सब देखकर लुइस गुस्से में आ जाता है और गन लेकर स्टीव को लगातार 4 गोलियां मार देता है। स्टीव की वहीं पर डेथ हो गई। स्टीव की बॉडी गड्ढे में गिर जाती है। उसके ऊपर स्टीव और लुइस मिट्टी डालते हैं। कार से वो घर वापस लौट जाते हैं। घर वापस आने के बाद बेसमेंट से स्टीव के होने के सभी निशानों को मिटा देते हैं। सारे खून के धब्बे और टूटी फूटी चीजें हटा देते हैं। इसके बाद वो दोनों इस बारे में कभी भी बात नहीं करते। मूवी के एंड सीन में हम क्लेयर और लुइस को अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए देखते हैं। वहां पर उनका बेटा बेन और रेचल की डॉटर साथ में खेल रहे थे। इसे हमें ये बात समझ में आती है कि इंसिडेंट के बाद भी क्लेयर ने रेचल के साथ फ्रेंडशिप बनाई रखी है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवी लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।